मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे से चीज़ वेजिटेबल सैंडविच बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, 2 चीज़ के स्लाइस, बारीक कटी हुई 1 शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई 1 गाजर, बारीक कटा हुआ 1 प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस, 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम परात में डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल और सभी चीजों को अच्छे से हम मिलाएंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छे से मसलते हुए इसका आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। आटे को आप देख सकते हैं, हमने अच्छे से गूंथकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे ढक के रख देंगे। अब हम सब्जियों की स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए हम बोल में डालेंगे बारीक कटी हुई गाजर। यहाँ पर आप गाजर को कद्दूकस भी कर सकते हैं। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ 1 प्याज, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच चाट मसाला और नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम सारी ही चीजों को एक बार अच्छे से मिला देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस, एक छोटी चम्मच ग्रीन चिली सॉस। दोनों ही सॉस को डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा और सब्जियों में अच्छे से बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो अब हमने सब्जियों की ये स्टफिंग बनाकर तैयार कर ली है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और इधर हम आटे को खोलकर एक बार और अच्छे से मसल लेंगे। आटा अच्छे से तैयार हो गया है। इधर हम आटे में से 1 बड़ी लोई लेंगे और जिस तरह हम रोटी की लोई लेते हैं उसी तरह इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। फिर 1 लोई पर सूखा आटा लगाकर इसे हम रोटी के साइज के बराबर बेलेंगे। और किसी चौकोर बर्तन या चौकोर कटर की हेल्प से इसे हम चौकोर कट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह हमने चौकोर कट किया है, इसी तरह हम बाकी भी कर लेंगे। चार रोटियों को हमने इस तरह चौकोर कट कर लिया है, तो अब हम एक चौकोर रोटी को लेंगे और जो हमने ये स्टफिंग बनाई है इसके चारों तरफ अच्छे से हम फैला देंगे।
फिर यहाँ पर हमने एक चीज़ की स्लाइस ली है, तो इसे हम स्टफिंग के ऊपर रख देंगे। ये चीज स्लाइस आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। थोड़ी सी सब्जियों की स्टफिंग हम चीज के ऊपर भी डाल देंगे। और दूसरी चौकोर रोटी को लेकर इसकी हम ऊपर रखेंगे। चारों ही तरफ से बहुत ही अच्छे से इसे हम चिपकाएंगे। आप चाहे तो कांटे से भी इस तरह चिपका सकते हैं, जिससे कि इसमें अच्छा सा डिजाइन भी आ जाएगा, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा। तो बस इसी तरह हम दूसरा भी बनाएंगे। यहाँ पर हमने दो गेहूं के आटे की सैंडविच बना लिए हैं, तो दोनों को ही हम सेक लेते हैं। पैन को हमने गर्म होने रख दिया था। पैन पर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। आप चाहे तो यहाँ पर घी या बटर का यूज भी कर सकते हैं। और सावधानी के साथ इसे हम पैन में रखेंगे। ऊपर से भी इस पर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और दोनों ही साइड से अच्छे से इसे हम दबाते हुए सेकेंगे। किनारों पर भी इसे हम अच्छे से दबाएंगे, ताकि जो किनारे हैं वो भी अच्छे से इसके सिक जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है और दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो बस इसे हम प्लेट पे निकालेंगे और बाकी भी इसी तरह हम सेक लेंगे। सारे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही सर्व करें, या आप इसे इस तरह तिकोना कट कर सकते हैं, जिससे कि ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसे आप सॉस के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं। अब जब भी बच्चों का कुछ अलग से खाने का मन करे, इसे आप फटाफट घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये खाने में हेल्दी भी है, क्योंकि इसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।